हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इन यूट्यूब चैनल में। तो चलिए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो नई वीडियो आ गई है न्यू ट्रिक के साथ। तो देखिए, मैंने कपड़े का एक छोटा सा स्क्वायर पीस लिया है, 11x11 इंच का है। इसे हमारा बेस बनेगा। सबसे पहले इसको तीन तरफ से सिलाई लगा लीजिए। ये मैंने सिलाई लगा ली, थैला जैसा बन गया। अब हम इसे सीधा कर लेंगे और जहाँ से हमारा ओपन है वहाँ से हम इसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करते हुए हम इस पर चारों तरफ टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो हमारे पास एक सिंगल पीस रेडी हो जाएगा, देखिए इस तरीके से। तो ये हमारा रेडी हो गया। अब हम इसे साइड पे रखते हैं और साइड्स के लिए बनाते हैं। तो चार साइड बनानी है, तो चारों साइडों के लिए मैंने सेम मेज़रमेंट के फोर पीसेस लिए हैं। तो चारों की मेज़रमेंट सेम है, ऊपर की तरफ से फोल्ड है, देखिए। तो चार साइड्स बनानी है, तो चारों के लिए चार पीसेस। 22x11 इंच के पीसेस हैं, देखिए फोर पीसेस हैं टोटल। अब आपको करना क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, पहले हम इसे साइड से सिलाई लगाएंगे। तो एक पीस पे बता देती हूँ, वैसे ही आपको बाकी पीसेस पे भी सिलाई लगानी है। तो 22 इंच वाली साइड से आपको इसे दोनों तरफ से फोल्ड करना है, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, और इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए, मैंने सिलाई लगा ली। बाकी के पीसेस पे भी आपको इसी तरीके से सिलाई लगानी है। सेम वैसे ही लेंथ वाली साइड फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। तो मैं चारों रेडी करके दिखाती हूँ आपको। देखिए, मैंने फोर पीसेस रेडी कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है, इसे बीच में से इस तरीके से फोल्ड करना है। देखिए, मैंने चारों पीसेस फोल्ड करके रख लिए हैं। अब हमें इसमें नीचे की तरफ से सिलाई लगानी है। वन, नीचे की तरफ से टू, थ्री और फोर, चारों पे सिलाई लगा लीजिए। देखिए, मैंने सिलाई लगा ली एक पीस पे। अब मैं इसे सीधा कर लूँगी, ये देखिए इस तरीके से। तो ये हमारा फिनिश हो गया नीचे की तरफ से। ऐसे ही हमें बाकी पीसेस पे भी सिलाई लगा लेनी है, तीनों पीसेस पे। देखिए, मैंने सब पे सिलाई लगा ली है इस तरीके से। तो सारे फिनिश हो गए। अब हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ से हमें इसमें नाड़ा डालने के लिए बनाना है। तो 1 इंच के करीब यहाँ से इसके चारों पीसेस पे हम ऊपर की तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, मैंने इस तरीके से 1 इंच का डिस्टेंस छोड़ते हुए ऊपर की तरफ सिलाई लगा ली है। ये मैंने फोल्ड वाली तरफ से लगाई है, जहाँ से हमारा कपड़ा फोल्ड था। तो एक पे लगा लिए, बाकी तीन पे भी इसी तरीके से लगा लीजिए। अब हमें क्या करना है, अब हम इसे बेस के साथ ज्वाइन करेंगे। तो जहाँ से नीचे वाली तरफ है, जहाँ से नेफा मोड़ा था वहाँ से नहीं, दूसरी तरफ से आपको इसे रखना है और सिलाई लगा लीजिए इस पर इस तरीके से। साइड से थोड़ा थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ने के बाद इस पर सिलाई लगा लीजिए। देखिए, मैंने सिलाई लगा ली। सेम ऐसे ही हमें दूसरा पीस दूसरी तरफ रखना है। तो चारों पीसेस के मेज़रमेंट सेम हैं, तो कोई भी पीस आप कहीं पे भी रख सकते हैं। तो दो पीसेस ज्वाइन हो गए, अब बाकी के दो पीसेस भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये तीसरा पीस लेना है, इसे भी जोड़ वाली तरफ से नीचे रखना है आपको इस तरीके से, और हम इस पर भी सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर। और जो दूसरे वाला है उसे हम यहाँ पर रखेंगे, देखिए इस तरीके से। तो सिलाई लगा लीजिए। देखिए, मैंने चारों पीसेस पे सिलाई लगा ली है। तो इस तरीके से देखिए, सारे पीसेस हमारे जॉइन हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ से जो हमने नाड़ा डालने के लिए रखा था, तो सिंपल कपड़े को फोल्ड करके मैंने स्ट्रिप्स बनाई हुई हैं। इसे मैं सेफ्टी पिन की मदद से चारों हिस्सों में इंसर्ट कर दूँगी। तो हम यहाँ पर इसे अंदर इंसर्ट कर लेते हैं। ऐसे ही बाकी में भी डाल लीजिए। देखिए, मैंने डाल लिया ड्रॉ स्ट्रिंग को। अब आपको क्या करना है, यहाँ साइडों में भी इस पर सिलाई लगा लीजिए, ताकि हमारी डोरी बाहर ना निकले। तो सब चारों तरफ मैं इस पर सिलाई लगा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए, मैंने इस तरीके से सिलाई लगा लिया। तो बिल्कुल पक्के से हमारी इसमें डोरियाँ लग गई। अब हमें क्या करना है, देखिए इस साइज़ के मैंने चार कार्डबोर्ड कट किए हैं इसको स्टिफ करने के लिए। तो ये वॉशेबल है, जब भी आपको वॉश करना हो कार्डबोर्ड को आप रिमूव कर सकते हैं। कार्डबोर्ड का साइज़ आपको पॉकेट के साइज़ का रखना है, कि ईज़िली आपका कार्डबोर्ड इंसर्ट हो जाए। अब हम इसे यहाँ से टाई कर देते हैं। ये देखिए, दो तरफ से मैंने टाई कर लिया है इसे। अब हमें इसके लिए बेस के लिए स्टिफनेस के लिए, देखिए मैंने कार्डबोर्ड यूज़ किया है, और कार्डबोर्ड को कवर करने के लिए मैंने सिंपल थैला सा बनाया है। आप चाहें तो कार्डबोर्ड को कपड़े के ऊपर पेस्ट भी कर सकते हैं, और या इस तरीके से थैला बना के भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा बेस भी हो गया, देखिए। और यहाँ से भी हम इसे टाई कर देंगे।
तो अब मैं आपको इसको यूज़ करके दिखाऊंगी उसके बाद। तो देखिए स्टिफनेस कितनी अच्छी बनी है इसकी, जैसी मर्जी से फेंकिए इसकी शेप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, बहुत ही अच्छा बना है। तो मैं आपको यूज़ करके दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से अलमीरा में रख सकते हैं, आप चाहें तो बाहर भी रख सकते हैं। मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि अलमीरा में अगर आपने कपड़े ऑर्गेनाइज़ करके रखना चाहें तो इस तरीके से छोटे साइज़ में या बड़े साइज़ में इसे बना सकते हैं। देखिए तो देखिए सारे कपड़े अच्छे से तय लगा के मैंने रख दिए और यहाँ से विजिबल भी है, जो भी आपने यूज़ करना हो आप इजीली निकाल सकते हैं और उसके बाद यहाँ से आप इसे टाई कर दीजिए। तो बहुत ही सिंपल, इजी और आसान तरीके से देखिए हमारा ऑर्गेनाइज़र बिल्कुल रेडी हो गया है। तो कपड़ों को स्टोर करने के लिए, ऑर्गेनाइज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब भी कोई कपड़ा निकालना है जस्ट इसे ओपन करना है, जो भी निकालना है इस तरीके से निकाल के फिर इसे क्लोज़ कर दीजिए। तो बहुत ही जल्दी बनने वाला और बहुत इजी तरीके से बना है। तो देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है।